मैं रचना कुमरे मध्य प्रदेश जबलपुर से। अपने कुछ विचार रखने के पूर्व मैं आप सभी को सर्वोच्च प्रकृति शक्ति फड़ा पेन को सेवा 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 जोहार करती हूँ। मैं बड़े सम्मानीय आदरणीय और छोटे बड़े सभी को सेवा सेवा जोहार करती हूँ। आप सभी को इंडिजिनस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम सभी कोया पुनैन की बात करते हैं, हम सभी उस पर विचार करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि अपने से ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ सकें, जागरूक कर सकें। हम इसमें सफल भी हैं, लेकिन हम अपने अन्य कुछ लोगों को समझाने जागरूक करने के बावजूद भी उनका अन्य अतार्किक रीति रिवाजों के प्रति जो लगाव है और जो उनको निभा रहे हैं उसे खत्म करने में कहीं ना कहीं हमें विफलता मिल रही है और ये कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को बार बार समझाना हमारी असमर्थता है, पर ये वही बात हुई ना, किसी व्यक्ति को नींद का ढोंग कर रहा है कोई व्यक्ति और हम उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोया हुआ है उसको जगाया जाता है भाई, जागते हुए को नहीं जगाया जाता है। उन्हें ज्ञान है अपने अधिकारों का, लेकिन उन्हें अपने रीति रिवाजों का पालन करने में बहुत बड़ा काम लगता है। ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकारों का ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए समाज में होना सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित है। देखा जाता है कि जिन हमारी समाज में जिन लोगों का शहरीकरण हुआ है वो अपने रीति रिवाजों से दूर जाते जा रहे हैं। अधिकारों का तो उनको सारा पता है कि हमारे अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार वो हैं, संविधान जो पढ़ के बैठे हैं शहर में आके, पर रीति रिवाज भूल गए हैं। और इसके विपरीत जो हमारे भाई बंधु ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं उन्हें अपने रीति रिवाजों का बहुत पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वो वंचित हैं। तो इसके लिए हम युवाओं को ही आगे आना होगा एकता के साथ, क्योंकि मैं खुद ही ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे शुरू से मैंने अलग धर्म को देखा, अलग धर्म को जाना, अलग धर्म को फॉलो किया। 22 ईयर्स तक मैंने सारी चीज़ें दूसरी ही की हैं जो मुझे समझाए, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं थी कि मेरे लिए मुझे जो बताया जा रहा है वो हमारा है, धर्म है या हमारी संस्कृति है, नहीं है। लेकिन जब मैं जान गई हूँ कि कोया पुनैन क्या है, कोया पुनैन को समझ गई हूँ, कोया पुनैन की बहुत सारी बारीकियों को समझ गई हूँ, तो मैं इस बात के लिए वचनबद्ध होती हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली वंशजों को कोया पुनैन की संस्कृति से जोड़ के रखूँगी, उन्हें कोया पुनैन के संस्कारों के साथ बड़ा करूँगी। ये मुझे नहीं, हम सबको इस बात के लिए वचनबद्ध होना चाहिए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को कोया पुनैन की संस्कृति देना है, ताकि उन्हें हमारे जैसे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि वो शुरू से ही सीख के आएंगे तो परेशानी की कोई बात ही नहीं रहेगी। और इसके लिए हम युवाओं के इकट्ठा होना होगा और एक साथ आना होगा, संगठित होना होगा, एक रूपता में एक साथ आना होगा। लेकिन आजकल देखने में आया है कि युवा वर्ग आपस में ही संघर्षशील है। भाई किस बात की दुश्मनी है, किस बात का मनमुटाव है जो आप लोग आपस में ही अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं? छोटे छोटे संगठन और भी हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के संगठन हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि आप संगठन मत बनाइए। आपको लगता है कि आपको संगठन बनाना चाहिए, आप बेशक बनाइए, लेकिन एक दूसरे संगठनों की मदद भी करिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, सबका लक्ष्य कोयतूर है, सबकी लक्ष्य कोया पुनैन है। एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया को अपनाइए, क्योंकि अगर युवा चाहे तो कोया पुनैन को फैला सकता है, युवा चाहे तो कोया पुनैन को सही मुकाम दिला सकता है, युवा को अगर सही शिक्षा और सामाजिक ज्ञान दिया जाए तो उसे दुनिया में कोया पुनैन को फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए और जिस हमारे यही आपसी मनमुटाव के कारण जो लोग हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और यही हमारी कमजोरी है। हम कब एक होंगे हमें ये समझ में नहीं आता, इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश गौड़ जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। और मैंने एक इंडिजिनस डे पे एक कविता बनाई हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है हम है कोयतूर। हे देश की युवा शक्ति तू किस नशे में चूर है, हे देश की युवा शक्ति तू किस नशे में चूर है,
ये बात कभी मत भूलिएगा कि हम कोयतूर हैं, ये बात कभी मत भूलिएगा कि हम कोयतूर हैं। अक्सर भ्रमित लोग पूछते हैं कि हम कौन हैं, अक्सर भ्रमित लोग पूछते हैं कि हम कौन हैं। हम और आप मिलके बताएंगे कि हम कोयतूर हैं, हम और आप मिलके बताएंगे कि हम कोयतूर हैं। इस नए युग के हम युवा, इस नए युग के हम युवा अपनी पीढ़ी के पूर हैं। इस नए युग के हम युवा अपनी पीढ़ी के पूर हैं। मजबूती से संभालेंगे संस्कृति को, मजबूती से संभालेंगे संस्कृति को, क्योंकि हम कोयतूर हैं, क्योंकि हम कोयतूर हैं। गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा से मजबूर जरूर हैं, गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा से मजबूर जरूर हैं, पर संभालेंगे सब कुछ धीरे धीरे, पर संभालेंगे सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि हम कोयतूर हैं, क्योंकि हम कोयतूर हैं। संक्रमित संस्कृति के फैलाव में कुछ कसूर हमारा भी है, संक्रमित संस्कृति के फैलाव में कुछ कसूर हमारा भी है, पर हम जगह लेंगे सभी को, पर हम जगह लेंगे सभी को, क्योंकि हम कोयतूर हैं, क्योंकि हम कोयतूर हैं। हमारी राह आसान नहीं, मंजिल बहुत दूर है, हमारी राह आसान नहीं, मंजिल बहुत दूर है। हम पार करेंगे हर राह को, हम पार करेंगे हर राह को, क्योंकि हम कोयतूर हैं, क्योंकि हम कोयतूर हैं। सामाजिक जन चेतना में कोई अपुनैन की कमी जरूर है, सामाजिक जन चेतना में कोई अपुनैन की कमी जरूर है। दूर करेंगे हम हर कमी को, दूर करेंगे हर कमी को, क्योंकि हम कोयतूर हैं, क्योंकि हम कोयतूर हैं। अब आइए सबको, अब जाग गया है कोया वंश का खून, अब जाग गया है कोया वंश का खून, जिसका हमें सुरूर है, जिसका हमें सुरूर है। आइए हम सभी मिलकर गर्व करते हैं, आइए हम सब मिलकर गर्व करें कि हम कोयतूर हैं, हम कोयतूर हैं। सेवा 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 जोहार।